फाली टॉप 10 रैंकिंग्स की वीडियो आ ही गई। WHG तो गाइस स्वागत है आपका WHG के एक और एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून की पावर रैंकिंग्स के ऊपर। तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं रूसेफ। तो गाइस रूसेफ जिन्हें काफी समय से पुश नहीं मिल रहा था, फाइनली स्मैकडाउन के अंदर उन्हें एक पुश मिला, जहां दोस्तों फाइव मैन गॉन्टलेट मैच जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए हो रहा था उसमें उनकी जीत हो जाती है और अब वो फेस करेंगे द फेनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को इन द पेपर व्यू ऑफ एक्सट्रीम रूल्स फॉर द WWE चैंपियनशिप। और इसी के चलते दोस्तों नंबर 10 पे आते हैं रूसेफ। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 9 पे और नंबर 9 पर आती है दोस्तों कारमेला। तो गाइस कारमेला जो मनी द बैंक के अंदर हार सकती थी लेकिन वो हारी नहीं, जिसकी वजह दोस्तों आप जानते हैं बड़ी खतरनाक और भयानक है। वेल यहां कारमेला की शातिर चालों के चलते उनकी जीत हुई, लेकिन दोस्तों जीत जीत होती है और आपको मानना ही होगा कारमेला इस मनी। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 8 के ऊपर और नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों ब्लजन ब्रदर्स। अब ब्लजन ब्रदर्स का दोस्तों जो मैच था वो किक ऑफ के अंदर रखा गया था, लेकिन स्टिल वो मैच काफी अच्छा था अगर आप उसे कंपेयर करेंगे बॉबी लैशली और सैमी ज़ेन के मैच से। तो दोस्तों यहां ब्लजन ब्रदर्स काफी डोमिनेट चल रहे हैं और इसी के चलते स्मैकडाउन की ये टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर ही जा रहे हैं। लेकिन अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर के ऊपर। अगला नंबर है नंबर 7 और नंबर 7 पे आती है एक सरप्राइज एंट्री जो की है डॉल्फ ज़िगलर की। तो गाइस डॉल्फ ज़िगलर जो की ड्रू मैकइंटायर के साथ स्टेबल बनाए हुए हैं इतना खास नहीं कर रहे थे, लेकिन पिछली रॉ के अंदर सेथ रॉलिंस पर उनकी शानदार जीत और अब उनका न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना उन्हें लाता है नंबर 7 के ऊपर। लेकिन दोस्तों अब हम चलते हैं नंबर 6 के ऊपर और नंबर 6 पे आती है हमारी एलेक्सा ब्लिस। तो गाइस जस्ट इमेजिन फाइट हो रही है दो खतरनाक रेसलर्स की, एक है बेडेस्ट वुमन ऑन द प्लेनेट, दूसरी है नाया जैक्स, और यहां जीती कौन है? क्यूटेस्ट अलेक्सा ब्लिस। तो दोस्तों क्यूट अलेक्सा ब्लिस बीच में आ गई, मनी द बैंक कैश इन कर लिया, पहले मनी द बैंक जीती दोस्तों और यहां अब वो न्यू रॉ वुमन चैंपियन है। तो दोस्तों इसी के चलते अलेक्सा ब्लिस आती है नंबर 6 के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 5 के ऊपर और नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। यहां दोस्तों WWE के अंदर उनकी काफी ज्यादा रेप्यूटेशन बनी हुई है, जिसका कारण है दोस्तों उनका मदमस्त अंदाज। सेथ रॉलिंस जहां फाइट करते हैं वहां वो अपना 100% देते हैं, जहां दोस्तों वो हारते हैं उस मैच में भी वो 100% देते हैं। हाल ही में उन्होंने अपना टाइटल लॉस किया, लेकिन दोस्तों मैच भी काफी ज्यादा अच्छा था और इसी के चलते दोस्तों वो आते हैं नंबर 5 के ऊपर। अगर आप सेथ रॉलिंस के फैन हैं तो यहां दोस्तों आपको दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हो सकता है WWE उनके साथ कुछ बड़ा प्लान कर रही हो। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 4 के ऊपर और नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो गाइस ब्रॉक लेसनर का WWE के अंदर कोई भी नामो निशान नहीं है, स्टिल वो WWE के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं, 100% विनिंग रेशियो है, साथ ही साथ हाल ही में दोस्तों उन्होंने लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन का रिकॉर्ड तोड़ डाला है, यानी कि CM Punk का, जिसके चलते वो आते हैं नंबर 4 के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर के ऊपर यानी कि नंबर 3 पर और नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों बिग डॉग रोमन रेंज। तो गाइस रोमन रेंज समोआ जो को हराने के बाद हाल ही में जिंदर महाल को हराने में कामयाब रहे हैं, मनी इन द बैंक के अंदर उन्होंने उन्हें हरा दिया और हाल ही में दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स के अंदर उन्होंने कंटेंडरशिप पाई है और वहां वो मल्टीमैन मैच का पार्ट होने वाले हैं, जिसके चलते बिग डॉग आते हैं नंबर 3 के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 2 के ऊपर और नंबर 2 पर आते हैं फेनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। तो गाइस एजे स्टाइल्स WWE चैंपियन बने हुए हैं, उनकी जो राइवलरी थी नाकामोरा के साथ वो अब खत्म हो चुकी है और मनी इन द बैंक के अंदर उन्होंने नाकामोरा को एक तगड़ी शिकस्त दी है, जिसके चलते वो आते हैं नंबर 2 के ऊपर। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर 1 के ऊपर और नंबर 1 पर आते हैं मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन ने हाल ही में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीता है, उनकी पांचों उंगलियां घी में है और रॉ के अंदर वो हर मैच जीतते हैं, डिस्ट्रक्शन मचाते हैं और दोस्तों इसी के चलते वो अभी WWE में टॉप पर बने हुए हैं। तो गाइस आपको ये आज की लिस्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। ऐसा कौन सा सुपरस्टार था इस लिस्ट में जो कि आपका सबसे पसंदीदा है, ये भी आप बता सकते हैं। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।